गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 15.1. फर्स्ट आपका लीनियर सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. इट हैज़ टू इन पॉइंट. इट मीन्स कि आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाना इट्स कॉल इज लाइन सेगमेंट. ठीक, ये देखिए, अब ये आपका ए से बी मिल रहा है, बी से सी, सी से डी, डी से ए. ये क्या है आपका? लाइन सेगमेंट है. ठीक, सेम एज इट इज़ रेक्टेंगल भी आपका ऐसे ही है. देखिए, पी से क्यू, ठीक है, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी, तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया. ठीक है, इसी तरीके से ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इज़ अ प्लेन क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाई थ्री लाइन सेगमेंट. ये क्या होता है? ये थ्री लाइन सेगमेंट का होता है. आप इसमें कुछ भी लेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए, ठीक है, बी और ये सी. तो ए, बी और सी, ये क्या होते हैं? ये वर्टिसेस होते हैं. ठीक है, ये वर्टेक्स एंड देन साइड, और ये आपके एंगल होते हैं. ठीक है, ये आपके एंगल होते हैं. ठीक है, ये आपका ट्राइंगल हो गया. इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो गई. अब आपका देखिए, ये आपके ट्राइंगल है, लिखा हुआ है कि नेम द फॉलोइंग क्लोज्ड फिगर एंड मेजर देयर साइड्स. देखिए, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ये क्लोज फिगर हो गया. ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है. सेम आपका देखिए क्लोज, इसी तरीके से ये है पैरेललोग्राम. ठीक, एंड दिस इज रेक्टेंगल पी क्यू आर एस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फॉलोइंग ट्राइंगल एंड राइट वर्टेक्स ऑफ द साइड ऑफ ईच. देखिए, ये आपको क्या करनी है, ये आपके इनको साइड वर्टेक्स है. ये क्या है? आपके वर्टेक्स हैं और आपके ये साइड हो गई. ठीक है, आपको ट्राइंगल नेम बताना है. ठीक है, ये आपको ट्राइंगल बताना, कौन सा ट्राइंगल. ठीक है, सेम आपको ये भी अपने आप सेल्फ करनी होंगे. ठीक है, देन इसके बाद अ प्लेन फिगर. देखिए, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स. अ प्लेन फिगर स्टैंड अपराइट एंड इट्स है फोर साइडेड, इट्स कॉल इज स्क्वायर. ठीक है, अ प्लेन फिगर दैट्स स्टैंड अपराइट एंड अपोजिट साइड इक्वल टू रेक्टेंगल. ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स इक्वल. इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है. एंड आइसोसेल्स ट्राइंगल टू ऑफ साइड्स इक्वल. ओके, अ स्केलिन ट्राइंगल नन ऑफ दिस साइड. ठीक है, देन इसके बाद सम ऑफ टू एंगल ट्राइंगल ग्रेटर देन थर्ड साइड. ठीक है, देखिए, द सम ऑफ टू एंगल, ये डेफिनेशन है ट्राइंगल की, कि सम ऑफ टू टू साइड्स ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. मतलब कि टू साइड्स का आपको जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए, ट्राइंगल है आपका एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्टेड ऑफ 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. अब क्या होगा कि थर्ड साइड मेरा जो ग्रेटर होना चाहिए, तो 3 + 5 क्या है? 8 है. ठीक है, और 9 क्या है आपका? 9 ग्रेटर है, यानी कि इसको आपको ग्रेटर होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, बट ये ज़्यादा है, तो क्या होगा? लेस देन होगा. ठीक, सेम एज इट इज 6 है, ये 5 है, तो लेस होगा. अगर ये कम होता, ये ज़्यादा होता, तो ग्रेटर होता. ठीक है, मगर ये आपका ज़्यादा है, थर्ड साइड क्या है? ग्रेटर नहीं है, इसलिए लेस देन होगा. ठीक है, इसी तरीके से ये 3 होंगे. आपको ये फिल करने हैं बुक में. ठीक है, ये सारे तो एक्सरसाइज 15.1 आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करनी है. ठीक है, थैंक यू.